बिहार में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और संक्रमण में तेजी से हो रहे फैलाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय मीटिंग कर राज्य के उच्च अधिकारियों और डीएम से हालातों की जानकारी ली, जिसके बाद सीएम ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक कर राज्य में संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए और अधिक सख्ती बरतने का निर्णय लिया। सीएम के निर्देश पर विकास आयुक्त आमिर सुबहानी और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी, जिसमें सभी डीएम और एसपी को कड़ाई से कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने का निर्देश दिया गया। नए निर्देशों के अनुसार अब राज्य के सभी दुकानें शाम 4 बजे तक ही खुली रहेंगी, जबकि रात 9 बजे की बजाय अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा जिला प्रशासन ने सड़कों पर लोगों की संख्या को कम करने और कोविड संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए अलग अलग दुकानों को खोलने के लिए अलग अलग दिन तय किया है। साथ ही शादी समारोह के लिए रात 10 बजे तक छूट देने के साथ 50 लोगों की उपस्थिति का निर्देश जारी किया गया है, जबकि डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। होटल, रेस्टोरेंट और भोजनालय से रात 9 बजे तक खाना ले जाने की अनुमति दी गई है। साथ ही रेडी टेले पर घूमकर ससमय सब्जी बेचने की भी छूट है। नवगछिया थाना क्षेत्र के उजानी में बीती शाम दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट की घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना को लेकर मोहम्मद नौशाद ने बताया कि कुछ दिन पूर्व पंचायती में हुए निर्णय के अनुसार दीवार देने के क्रम में विवाद शुरू हुआ था, जो मारपीट में तब्दील हो गया। नौशाद ने कहा कि काम करवाने के क्रम में दूसरे पक्ष के लोगों ने सामने से उनके ऊपर लाठी बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें उनका भाई मोहम्मद शमशाद घायल हो गया, जबकि उनकी बहन भी जख्मी हो गई। इधर इलाजरत दूसरे पक्ष के मोहम्मद शौफिक ने भी पहले पक्ष के लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर दीवार को भींगा कर पानी बहा दिया गया, और जब इसका विरोध किया तो मोहम्मद नौशाद और उसके परिवार वालों ने लाठी और भाला एवं ईंट से मारपीट कर परिवार के 4 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें उनकी पत्नी जरीना खातून, बेटी शायना खातून और बेटा मोहम्मद बहुद्दीन शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में किया गया है। साथ ही कहा गया कि हमले में उनके पुत्र मोहम्मद बाउद्दीन का सिर फट गया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। ठीक है, और इसको 5 दिन पहले पंच हुआ था। पंच ने बोला तुम अपने तरफ से दीवार घेर लेना, इसने आगे का दीवार करा लिया। अब मुझे पता नहीं था कि वो अंदर में दीवार चुनाई किया है कि नहीं किया है। ठीक है, हम अपने तरफ से तराई मार रहे हैं। तराई जब मार रहे थे, ये लोग प्रोग्राम बना लिया, आया पहले देख के गया, उसके बाद लाठी निकाल के रखा था। हम लोग तरावी पढ़ने जा रहे थे नमाज, बस शुरू कर दिया मारना। पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग करने के बाद राज्य भर में सभी दुकानों को शाम 4 बजे तक खुले रखने का आदेश पारित कर दिया है, जिसके बाद एक्शन में आया नवगछिया प्रशासन और पुलिस ने शक्ति दिखाते हुए आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए माइकिंग की। इस दौरान एसपी सुशांत कुमार सरोज, नवगछिया एसडीओ अखिलेश कुमार और एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च नवगछिया स्टेशन रोड, वैशाली चौक, दुर्गा मंदिर रोड, हड़िया पट्टी और महाराज जी चौक से गुजरा, एवं अधिकारियों ने शहरी क्षेत्र के सभी बाजारों, दुकानों और प्रतिष्ठानों को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नए गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी। इसके अलावा माइकिंग कर दुकानों को संध्या 4 बजे तक बंद कर दिए जाने और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की गई। नवगछिया एसपी ने कहा कि कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। साथ ही कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मौके पर नवगछिया वीडियो प्रशांत कुमार, इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह समेत कई पदाधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। भागलपुर पोस्टल डिवीजन कार्यालय में गुरुवार को डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डाक अधीक्षक ने चंपानगर, साहेबगंज, जगदीशपुर, पीरपैंती, ऋषिपुर और खरी के सैदपुर गोड़ियारी टोला डाकघर को कोर बैंकिंग से जोड़ने को लेकर चर्चा की। इस दौरान बांका सहायक डाक अधीक्षक रोहित नंदन, चीफ सुपरवाइजर SBCA रवि कुमार और संबंधित डाकघर के सिस्टम एडमिन से डाक अधीक्षक ने तैयारियों की जानकारी ली और अविलंब
CBS सेवा से सभी डाकघरों को जोड़ने की बात कही। वहीं इसके अलावा कोविड महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए डाक अधीक्षक RP प्रसाद ने जिले के 3 उप डाकघरों को 1 से 17 मई तक बंद रखने का निर्णय लिया है, जिसमें सेंट्रल जेल, साहेबगंज और अलीगंज डाकघर शामिल है। इधर डाक अधीक्षक ने कहा कि कोविड संक्रमण से बचाव के लिए एहतियातन कदम उठाया गया है, जिस तहत बारी बारी से नॉन डिलीवरी वाले अलग अलग डाकघरों को बंद रखा जाएगा, जबकि संबंधित उप डाकघरों के उप डाकपाल प्रधान डाकघर में अपनी सेवा देंगे। नवगछिया के जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक बन रहे रिंग बांध निर्माण में मिट्टी की जगह बालू डंपिंग करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर जदयू नेता सह गंगोत्री जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन कुमार ने अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए संबंधित लोगों को जनहित में मान हानि नहीं करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब ग्रामीणों की ओर से इस तरह के कार्य का विरोध किया जाता है तो उन्हें केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। साथ ही कहा कि अगर इसी तरह गुणवत्ताहीन कार्य होता रहा तो निश्चित रूप से इस कार्य का उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा, जिसके बाद एक बार फिर से इस्माइलपुर के लोगों को बाढ़ और कटाव की शिकायत का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि अभी तक बांध निर्माण में ली गई जमीन के बदले किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला है और मामले की शिकायत जल्द ही अनुमंडल पदाधिकारी से करने की बात भी कही गई। वहीं जल संसाधन विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी इंजीनियर अनिल कुमार ने मामले की जानकारी होने से साफ इनकार करते हुए कहा कि जल्द ही विधिवत स्थलीय रिपोर्ट की जानकारी लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए इससे बचाव के लिए जहां सरकार ने कोविड गाइडलाइंस और दिशा निर्देश जारी किया है, वहीं इसके बावजूद रोहतास के विक्रमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रेडिया गांव में एक शादी समारोह के दौरान पूरी रात बाल बाराओं का डांस होता रहा, जहां बारातियों के साथ ग्रामीण भी भोजपुरी गीतों की धुन पर थिरकते रहे। यहां किसी के मन में ना तो कोरोना का खौफ दिखा और ना ही प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों की परवाह दिखी। लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ना ही मास्क लगाना जरूरी समझा। बता दें कि कोविड संक्रमण को लेकर सरकार ने कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए सादगी के साथ शादी समारोह का आयोजन करने का निर्देश दिया है, लेकिन लोगों की भीड़ और इस तरह से रात भर बाल बालाओं के डांस पर लोगों का झूमना कोरोना संक्रमण के खतरों को दावत दे रहा है।